हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी में। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंतर्गत यूनिट 3 के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। इसमें हमें सेकेंडरी मेमोरी एवं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को पढ़ना है। तो देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी, माध्यमिक स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस अर्थात सेकेंडरी मेमोरी को सहायक स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। यह कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है, यह कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। यह एक स्थायी स्टोरेज डिवाइस होता है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर बंद होने पर स्टोर डाटा डिलीट नहीं होता एवं आवश्यकता के अनुसार भविष्य में इसमें सही की गई फाइल एवं फोल्डर को खोलकर देखा या सुधारा जा सकता है एवं इसे उपयोगकर्ता द्वारा हटाया भी जा सकता है। माध्यमिक स्टोरेज डिवाइस में स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, जिसमें प्राइमरी मेमोरी से कई गुना अधिक डेटा संग्रहित किया जा सकता है जो हस्तांतरणीय अर्थात ट्रांसफरेबल होता है, परंतु मेमोरी में डेटा एक्सेस करने की क्षमता प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले धीमी होती है। सेकेंडरी मेमोरी कई प्रकार की होती है, तो आइए देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार, जिसमें पहला है मैग्नेटिक अथवा चुंबकीय टैप। यह एक पुराने जमाने वाले टैप रिकॉर्डर के कैसेट की तरह होता था, जिसमें प्लास्टिक के रिबन पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती थी, जिस पर डेटा स्टोर करने के लिए हेड का इस्तेमाल किया जाता था। यह डेटा कितनी बार लिखा एवं हटाया जा सकता था और यह काफ़ी सस्ता होता था, लेकिन आज इसका प्रचलन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसके पश्चात है फ्लॉफी डिस्क। फ्लॉफी डिस्क के बहुत पतली प्लास्टिक की एक गोल डिस्क होती है जो प्लास्टिक के कवर के अंदर बंद रहती है। इस डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ की एक परत चढ़ी होती है। इसे आकार एवं स्टोरेज क्षमता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। पहला है मिनी फ्लॉफी एवं दूसरा है माइक्रो फ्लॉफी। इसे कंप्यूटर में रीड करने के लिए फ्लॉफी डिस्क रीडर की आवश्यकता होती है। मिनी फ्लॉफी का व्यास 3/1/2 इंच एवं इसकी स्टोरेज क्षमता 1.44 MB होती है। वहीं माइक्रो फ्लॉफी का व्यास 5/1/2 इंच एवं इसकी स्टोरेज क्षमता 2.88 MB होती है। यह डिस्क लगभग 360 RPM की दर से घूमती है। इसके पश्चात अगला सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क ड्राइव। आइए हम आपको बताएं कि IBM दुनिया की पहली हार्ड डिस्क ड्राइव का निर्माता है, जिसने सन 1980 में बनाया गया था। यह एक एल्यूमिनियम धातु डिस्क होता है जिस पर पदार्थों का लेप चढ़ा होता है। यह डिस्क एक अक्ष पर बड़ी रैपिड अर्थात तेजी से घूमती है। इसकी गति को RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट में मापा जाता है। आजकल हार्ड डिस्क ड्राइव 7200 RPM एवं 5200 RPM के साथ बाजार में उपलब्ध है। हार्ड डिस्क ड्राइव में ट्रैक एवं सेक्टर में डाटा स्टोर किया जाता है। एक सेक्टर में 512 बाइट डेटा स्टोर होता है। 80 के दशक में हार्ड डिस्क ड्राइव के पार्टीशन का पहला भाग का नाम सी ड्राइव दिया गया था एवं आज जब विंडोज स्थापित करते हैं तो यह पहले सी ड्राइव में स्थापित होता है। यदि आप स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो हार्ड डिस्क ड्राइव को माध्यमिक मेमोरी अर्थात सेकेंडरी मेमोरी के रूप में उपयोग किया जाता है। वर्तमान में 1 TB से 100 TB तक की हार्ड डिस्क उपलब्ध है। इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क में पॉलीकार्बोनेट की एक गोल डिस्क होती है जिस पर एक रासायनिक पदार्थ होता है। ऑप्टिकल डिस्क डेटा डिजिटल रूप से संग्रहित करता है। ऑप्टिकल डिस्क को एक कम क्षमता वाले लेजर प्रकाश के प्रयोग में रीड किया जाता है एवं राइट किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क प्रायः 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें से पहला है CD। CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है। इसमें डाटा स्टोर करने की क्षमता 700 MB होती है अथवा इससे अधिक होती है। अगर इस CD को खराब होने से बचा कर रखा जाए तो इसमें स्टोर डाटा लगभग 30 वर्ष तक सुरक्षित रहता है। इसके पश्चात है DVD ड्राइव। DVD ड्राइव भी CD की तरह ही होती है, किंतु इसमें स्टोर डाटा करने की क्षमता CD से ज़्यादा होती है। DVD में लगभग 4.7 GB से लेकर 14 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। स्क्रैच की समस्या से CD की तरह इसमें भी बनी रहती है। इसके पश्चात है ब्लू रे।
ब्लूरे सीडी एवं डीवीडी देखने में समान होती है, किंतु ब्लूरे को पढ़ने एवं लिखने के लिए लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है जो नीली रंग जैसी बैंगनीकरण होती है, इसलिए इसे ब्लूरे कहा जाता है। इस रोशनी की वजह से डेटा को ब्लूरे डिस्क पर 50 GB तक संग्रहित किया जा सकता है। इसके बाद अगला स्टोरेज डिवाइस है USB फ्लैश ड्राइव। यह वर्तमान की सबसे बड़ी एवं पॉपुलर एवं पोर्टेबल सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है जो USB पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ी जाती है। इसे पेन ड्राइव के नाम से भी पुकारते हैं। इसका प्रयोग ऑडियो, वीडियो एवं अन्य डाटा को सेव करने के लिए किया जाता है। इसी के साथ स्टोरेज डिवाइस समाप्त हो जाते हैं एवं यूनिट 3 का भी अंत हो जाता है। इसके पश्चात हम यूनिट 4 का अध्ययन करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।